सुप्रभात बच्चों, इसके प्रथम पाठ में शब्द विचार में प्रत्यय का जो प्रथम पाठ था उसमें मैं आप लोगों को ख भाववाचक संज्ञा से बनाने वाले जो कृत प्रत्यय हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे धातु है फिर यहां हुआ कृत प्रत्यय और उसके बाद भाववाचक संज्ञाएं जिसमें चढ़ बह है, इसमें आओ तो धातु है चढ़ बह है, जिसमें कृत प्रत्यय आओ लगा देने पर क्या बनता है? चढ़ाओ, चढ़ाओ, बहाओ। बहाओ और फैलाओ, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। मूल धातु है इसमें चढ़ बह फैल, कृत प्रत्यय जोड़ दिया गया इसमें आओ, और इससे जो संज्ञाएं बने वो भाववाचक संज्ञाएं बनते हैं। संज्ञा जिसमें चढ़ में आओ जोड़ देने पर चढ़ा हुआ, बह में आओ जोड़ देने पर बहा हुआ, और फैल में आओ जोड़ देने पर फैलाव हुआ। इस प्रकार छल बुला दीख में आवा, क्या प्रत्यय जोड़ेंगे? आवा। तो क्या होगा? शब्द बनेगा यहां छलावा, छलावा। दूसरा से क्या बनेगा? बुलावा, बुलावा। और तीसरा से क्या बनेगा? दिखावा। तो यहां छल बुला और दीख मूल धातु में कृत प्रत्यय आवा जोड़ देने पर छलावा, बुलावा और दिखावा शब्द बना। इसके बाद बोल, बोल हसी बोल और हस में दृढ़ाई बोल हाँ में दीर्घाई जोड़ देने पर शब्द क्या बनता है?
बिल्ली हाँसी, क्या शब्द बनता है? बोली और हाँसी। बोल हस मूल धातु है, इसमें दीर्घीकृत प्रत्यय जोड़ दिया गया, क्या बना? बोली हाँसी। अब ग है, इसमें करण, करण वाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, इसमें धातु कृत प्रत्यय और करणवाचक संज्ञाएं करणवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, जैसे घेर, घेर फेल, भूल, इसमें करणवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, इसमें मूल धातु है घेर, खेल, भूल, झूल, तो इसमें प्रत्यय लगाए आ और इसे शब्द बना घेरा, इसे शब्द क्या बना? घेर से घेरा, ठेल से ठेला, भूल से भूला, और झूल से झूला। तो ठेल से घेर से घेरा, ठेल से ठेला, भूल से भूला, झूल से झूला, आपत्ति लगाने पर। अब इसके बाद झाड़, झाड़ धातु में दीर्घौ लगा देने पर झाड़ू, झाड़ू बनता है। इसके बाद बेल, बेल
में ना, बेल झाड़ बन में ना कृत प्रत्यय जोड़ देने पर शब्द बनता है बेलन। झाड़न और बंधन शब्द क्या बनता है, बेल झाड़ बंध में ना प्रत्यय लगा देने पर शब्द बनता है बेलन झाड़न और बंधन। इस प्रकार चट, सुंग, सुंग में नी प्रत्यय लगा देने पर नी प्रत्यय लगाने पर शब्द बनता है चटनी। सुंग, सुंघनी सुंघनी सुंघनी। इसके बाद ये जितने भी बताए गए ये हिंदी के प्रत्यय थे, अब संस्कृत के प्रत्यय देखेंगे हम लोग। संस्कृत के प्रत्यय इसमें क है, संस्कृत के प्रत्यय में क है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। चूंकि हिंदी में हिंदी के भी प्रत्यय होते हैं और संस्कृत के भी प्रत्यय होते हैं, तो संस्कृत के प्रत्यय में भाववाचक बनाने वाले कृत प्रत्यय। पहले यहां लिखेंगे धातु, कृत प्रत्यय और भाववाचक संज्ञा। जैसे सर, सर रख रच, इसके बाद है गम, गम के
बाद पठ और पठ के बाद भ्रम। अब इसमें अनकृत प्रत्यय जोड़ेंगे। स, रस, गम, पाठ, भ्रम, ये जो है संस्कृत के प्रत्यय हैं, मूल धातु हैं, सॉरी संस्कृत के मूल धातु हैं। इसमें अनकृत प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसे स बनेगा, साहन, स से साहन, रच से रक्षण, रक्षण, गम से गमन, पठ से पठन और भ्रम से भ्रमण। भ्रम से क्या बनेगा? भ्रम से भ्रमण। तो ये जो था ये संस्कृत के मूल शब्द मूल धातु है। इसमें अन प्रत्यय जोड़ करके इसे संज्ञा बनाया गया। स से सहन, रच से रक्षण, गम से गमन, पठ से पठन और भ्रम से भ्रमण। इसके बाद वेद, सूच और रच, इसमें आना अनाकृत प्रत्यय लगाने पर इससे शब्द जो बना वो बना वेदना। सूचना और रचना क्या शब्द बना इसे? वेदना, सूचना और रचना। इसके बाद भाग, भाग में हरस्ई प्रत्यय लगा देने पर शब्द बनता है भक्ति। धन, धन साहस बल और ज्ञान में दीर्घायी। धन, साहस, बल, ज्ञान मूल धातु है। इसमें कृत प्रत्यय दीर्घायी लगा दिया जाएगा तो शब्द बनेगा धानी, धानी, साहसी,
साहसी बल बली और ज्ञानी ज्ञानी अब इसके बाद कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, तो ये संस्कृत के प्रत्यय थे जिसके बारे में अभी आपको बताया गया। अब ख है कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, धातु कृत प्रत्यय कर्तृवाचक संज्ञा। इसमें पाठ पाठ लेख धातु है, इसमें अर्थ कृत प्रत्यय जोड़ देने पर शब्द बनता है, पाठ से पाठक और लेख से लेखक। दूसरा है लोभ त्याग, एक धातु था पठ लेख है, इसमें कृत प्रत्यय अक जोड़ दिया गया, शब्द बना पाठक लेखक। दूसरा है मूल धातु लोभ त्याग, इसमें दीर्घायी दीर्घायी जोड़ दिया गया प्रत्यय, तो क्या बना लोभ से लोभी, त्याग से क्या बना त्यागी। यानी मूल धातु में दीर्घायी प्रत्यय जोड़ देने पर मूल धातु जो लोभ है उसे लोभी हुआ और त्याग से त्यागी बना। इसके बाद आस बस
सास, मित्र, अस, बस, सास, मित्र प्रत्यय जोड़ देने पर इसे जो शब्द बना, अस से बना अस्त्र, बस से बना वस्त्र और सास से बना शास्त्र, शास्त्र एक कर्तृवाचक संज्ञा के शब्द बने। धातु था पठ लेख, अक प्रत्यय लगाने पर पाठक, लेखक, लोभ त्याग में दीर्घई प्रत्यय जोड़ देने पर लोभी त्यागी शब्द बना। अस बस सास धातु में त्र प्रत्यय लगाने से अस वस्त्र और शस्त्र बनते हैं। इसके बाद ग है विशेषण, विशेषण बनाने बनाने वाले कृत प्रत्यय। धातु कृत प्रत्यय विशेषण, इसमें है धातु में नींद, कफ, कफ इसमें अन्य धातु है नींद कथ प्रत्यय है अन्य शब्द बना। निंदनीय कथ कथनीय कथनीय। इसके बाद कृपा कृपा आलू कृपालु, ये विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय हैं। इसमें धातु है नींद कथ, कृत प्रत्यय है अन्य, शब्द बना निंदनीय और कथनीय। कृपा है धातु, इसमें आलू कृत प्रत्यय जोड़ दिया गया, शब्द बना कृपालु। इसके बाद दा पा गा में यह प्रत्यय जोड़ दिया गया तो हुआ दे
ये विशेषण बनाने वाले प्रत्यय धातु प्रत्यय धातु है नींद कर्त प्रत्यय है अनिये सब बना निंदनीय कर्थनीय कृपा धातु है इसमें आलू कृत प्रत्यय लगा दिया गया तो शब्द बना कृपालु। इसके बाद दा पा गा धातु है इसमें कृत प्रत्यय य जोड़ दिया गया तो बना दे पे और गे।